पीसीसी में कांग्रेस की आज अहम बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने एक अहम बैठक बुलाई है। दोपहर 2:30 बजे पीसीसी कार्यालय में ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव होगा। राहुल गांधी के इस्तीफे को अस्वीकार करने को लेकर भी यहाँ एक प्रस्ताव पारित होगा। आज पीसीसी में 2:30 बजे के करीब एक बैठक होगी। ये बैठक डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुलाई है और इस बैठक में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत भी मौजूद होंगे। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे को अस्वीकार करने के लिए भी एक प्रस्ताव पारित होगा। पीसीसी में आज कांग्रेस की अहम बैठक, पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने यह बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार पर मंथन होगा और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। दिनेश, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली, इसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस बैठक ले रही है और आज भी पीसीसी में एक बैठक होगी इसी सबके मंथन को लेकर। और क्या इस बैठक में राहुल गांधी के इस्तीफे को अस्वीकार करने को लेकर भी कोई प्रस्ताव पारित होगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए ज्योति, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद लगातार मंथन जारी है। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, वो दिल्ली में डटे हुए थे। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रखी है। चुनावी हार के बाद यह पहली बैठक होगी और इस बैठक में चूंकि पहली बैठक है तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को ने जो इस्तीफा दिया है उसको अस्वीकार करने का एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा सर्वसम्मति से, कि राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस लें और उसे अस्वीकार किया जाए और इसे राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा ताकि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहे। उसके बाद चूंकि पहली बैठक है चुनावी हार के बाद, तो इस बैठक में हार पर मंथन भी किया जा सकता है कि उन ऐसे क्या कारण रहे राजस्थान के जिनकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस इस कदर हारी, और उन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए ज्योति, इस बैठक में बैठक हंगामेदार भी रह सकती है क्योंकि जैसे ही हार के कारणों पर मंथन होगा तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बयानबाजी भी चल रही है तो बैठक हंगामेदार भी रह सकती है। और जिस तरह अशोक गहलोत और सचिन पायलट कुछ दिनों से दिल्ली में भी इस पर मंथन कर रहे थे, आज यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जो नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ऐसे में उनको भी बोलने का मौका दिया जा सकता है। जी दिनेश, जिस तरह से इस बैठक में विधायक और सभी मंत्रीगण भी शामिल होंगे, क्या इस बैठक में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के शामिल होने के साथ साथ प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद होंगे? क्योंकि कांग्रेस में राजस्थान में अहम किरदार रखते हैं अविनाश पांडे, तो हार की जिम्मेदारी अगर लेने की बात आती है कि अगर मंथन हो रहा है कि 25 की 25 लोकसभा सीट मौजूदा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में होते हुए भी अगर इतनी बड़ी हार मिली तो आखिर क्या कारण रहा होगा, तो मैनेजमेंट पे सवाल उठता है। पूरे कैंपेनिंग जिस तरह से की गई, तो क्या प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी चर्चाओं के लिए इस बैठक में शामिल होंगे? दिनेश देखिए ज्योति, प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे और वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट, तो सचिन पायलट की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और सीएम अशोक गहलोत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चूंकि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और अशोक गहलोत स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही हार के कारणों पर अगर चर्चा होगी तो जिस तरह कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था उन बातों को लेकर, कुछ 5 महीने पहले जैसे प्रदेश में सरकार बनी, सरकार की ओर से कार्य किए गए, संगठन की क्या कमियां रही, ऐसे तमाम जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा की जाएगी कि अगर किस तरह से कांग्रेस को इस हार का सामना करना पड़ा तो क्या ऐसे कारण रहे, उन कारणों पर चर्चा की जाएगी। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि बैठक आज दोपहर 2:30 बजे पीसीसी में होगी, जो कि कांग्रेस की अहम बैठक है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी चीफ ने ये बैठक बुलाई है। तमाम बड़े नेता और तमाम विधायक और मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत भी इसमें मौजूद हो सकते हैं इस बैठक में। और इस बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर मंथन होगा, चर्चाएं होंगी और साथ ही राहुल गांधी ने जो इस्तीफा अपने पेशकश किया है उस पर भी चर्चाएं होंगी। उसको खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव पारित भी हो सकता है इस बैठक में।